नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा मर्चुरी में रखे शव के शरीर से गायब हो गया गहना, संजय गांधी अस्पताल का मामला। रीवा, मरीजों व उनके परिजनों से बदसुलू की मारपीट व अव्यवस्थाओं के लिए चर्चित विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इस अस्पताल में अलग ही कारनामा हो गया है। एक महिला की मृत्यु के बाद उसके शरीर से पहने हुए सोने और चांदी के आभूषण ही गायब हो गए। अब परिजन अपनी मां की आखिरी निशानी को पाने अब अस्पताल प्रबंधन के चक्कर काट रहा है। दरअसल रायपुर कारचुलियान तहसील अंतर्गत गुड़गांव निवासी शिवमूर्ति पटेल ने बीते दिन अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया। जब सुबह परिजन मर्चुरी शव के पास पहुंचे तो उसके शरीर से गले में पहनी एक सोने की लॉकेट और पैरों से पायल गायब थी। मृतक महिला के पुत्र ने बताया, अस्पताल में मृत्यु के बाद शव मर्चुरी में रखे जाने के दौरान शरीर में गहने मौजूद थे, जिसे कर्मचारियों ने नहीं लेने दिया और जब सुबह पहुंचे तो शरीर से गहना गायब था। वही इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि युवक द्वारा कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। मीडिया के माध्यम से जानकारी होने के बाद कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, साथ ही परिजनों को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए। कहीं भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर घर चले गए। आइए जानते हैं शिवमूर्ति पटेल मृतक का पुत्र राहुल मिश्रा अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल रीवा ने क्या कहा। रीवा से संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पटेल ग्राम गुड़गांव पोस्ट गुड़गांव थाना रायपुर कारचुलियान दवा खाली। संजय गांधी में आपके साथ एक घटना घटी है। हाँ, संजय गांधी में वो 12:30 बजे दम तोड़ दी। उसके बाद जो है तो उसको यहाँ ला के जब नीचे रखा तो जो ला के रखवाते हैं तो एक गेट बंद किए थे, एक बंद कर रहे थे। तभी मैं बोला सर वो कुछ जेवराज पहनी है तो वो ले लेता हूँ। बोले नहीं नहीं आप रहन दीजिए, यहाँ पूरा सेफ्टी के साथ सामान रहेगा, आपको कोई सामान नहीं जाएगा। तो वो लॉक कर दिए, उतनी टाइम नहीं लेने दिए। फिर मैं बाढ़ हुआ है, फिर उसके बाद बोले आप घर चल जाओ, यहाँ आपका कोई काम है नहीं। तो हम घर चल गए। सुबह आए तो जो स्वीपर बाड़ी बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाले और बीच में रख के वो अंदर गए, अंदर से फिर इधर आए। और मैं उसका गले का साड़ी हटा के जब देखा उसके गले में ना लाइकिट थी ना पैर में पायल था। किस पे लग रहा है अनुमान, किसको निकाल था? अब दो ही निकाले होंगे, या बाढ़ हुआ या फिर एसी पर, इसके अलावा तो और हम निकाले ही नहीं। कहीं पे इसकी शिकायत आपने करी है? नहीं, अभी शिकायत तो नहीं की है। मीडिया के सामने बोला हूँ और अभी शिकायत नहीं की। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मैं तो परेशान ही हूँ, अब परेशानी में परेशानी हमको ना दें, जो हमारा सामान है तो दे दें। आपकी निशानी भी मांगते थे माँ की, जो तो वही एक वही उसका निशानी लास्ट बची थी तो वो भी ले लिए। हाँ, मेरी माँ थी। मेरा नाम शिवमूर्ति प्रसाद पटेल है, माँ का नाम कौशल्या देवी पटेल है। ग्राम गुड़गांव पोस्ट गुड़गांव थाना रायपुर कारचुलियान। संजय गांधी में आया है मुर्दे से सोना और पायल उठाने का, क्या मामला है, किस तरह का मामला है? ये आपके न्यूज चैनलों में ही जब ये खबर चली है तभी संज्ञान इसका लिया गया और पुलिस चौकी में और वहाँ जो स्वीपर्स रहते हैं पोस्टमार्टम में उनसे भी पूछताछ की गई और अभी ये प्रत्यय मामला आ रहा है। अभी इसमें ये सत्य आ रहा है कि जो मृतका के परिजन थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं और उनसे प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसा कोई जेवर नहीं थे और ना ही कोई उसको ऐसा निकाल रहा है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे रहते हैं पोस्टमार्टम के पहले। और पुलिस चौकी में भी परिजनों ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं कराई है। मेरी अभी बात हुई है पुलिस चौकी में तो वो बॉडी लेके जा चुके हैं और उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं कराई है। तो हमको ऐसा लगता है कि उनको कन्फ्यूज़न कुछ रहा होगा, क्योंकि आम तौर पर जब भी बॉडी सुपुर्द करते हैं तो पूरे जेवर उतारने का एक निश्चित प्रोटोकॉल है और इसके बाद ही बॉडी मॉर्चरी के अंदर जाती है।
पहले तो ये ऐसा लग रहा है अभी तक कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और परीज के परिजन भी संतुष्ट थे, शायद इसीलिए उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई है, और उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज भी देखी है। अभी मैं फुटेज मंगवा रहा हूँ, मैं भी देखूँगा उनको कि फुटेज में क्या कह रहा है, ऐसा कुछ घटना अगर होती दिख रही है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बदनाम किया गया संजय गांधी को, तो कहीं ना कहीं किस तरह का आप एक्शन लेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल पता लगाया जाएगा कि आखिर उसका मोटिव क्या था और ऐसा उसने क्यों किया, या तो उसने अज्ञानतावश किया या जानबूझ के किया, तो हम पूरी तह तक जाएंगे, पता लगाएंगे, और इसके बाद निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई।